साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ कहते थे नवाज शरीफ को आने नहीं देंगे, मौजूदा हुकूमत कहती है नवाज शरीफ को जाने नहीं देंगे। सारी सियासत इस पर घूम रही है कि नवाज शरीफ को जेल में कैसे रखें। सेनेट इजलास में परवेज रशीद की हुकूमत पर तनकीद, कहा इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करें, तनकीद सुनने का हौसला पैदा करें। हुकूमत ने पेट्रोल 5 रुपये सस्ता करके हातिम ताई की कब्र पर लात मारी है। नवाज शरीफ दौर में पेट्रोल 70 का था। जिन्हें हुकूमत चलाना आती है उनसे इंतकाम ना लें, उन्हें मौका दें। मुशर्रफ साहब कहते थे मैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने नहीं दूंगा, ये कहते हैं कि हम उन्हें जाने नहीं देंगे। सारी सियासत घूमती है कि नवाज शरीफ को जेल में कैसे रखना है, और ये दावा करते हैं कि इन्होंने भी 5 रुपए की कीमत कम करके हातिम ताई की कब्र पर एक लात मार दी है। इन्होंने 5 रुपए कम नहीं किए, 41 रुपए लीटर ज्यादा ले रहे हैं। उसका चूल्हा तो बुझा देंगे लेकिन तुम्हें लंगर खाने पे लाइन में खड़ा कर देंगे कि आओ रोटी लंगर खाने से खा। जो काम इन्हें नहीं करना आता ये अपने आप को उससे दूर कर, ये खुद रदा कराना तौर पर अपने आप को इस काम से दूर कर ले जो काम इन्हें करना नहीं आता, और जिन लोगों को ये काम करना आता है उन्हें इंतकाम का निशाना ना बनाएं, उन्हें मौका दें। वो मौका दें कि वो लोग इस मुल्क को फिर तरक्की के सफर पर जारी रखें।